हरे ही ओम नमस्कार। मेरे YouTube चैनल महेशोता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, 30 मई 2023 को शुक्र राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 30 मई दिन मंगलवार के समय रात को 7:38 पर शुक्र मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की राशि यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 7 जुलाई तक इसी राशि में रहेंगे। प्रिय दर्शकों, आपको पता ही होगा कि ग्रहों का गोचर मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि भोग और विलास के कारक शुक्र ग्रह का ये गोचर कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। धन, नौकरी, बिजनेस, स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा, प्रेम के लिहाज से क्या कुछ नया लेकर आ रहा है शुक्र का ये गोचर मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों की बात करें तो मकर राशि के लोग अपनी बात के पक्के होते हैं। इस राशि के जातक काफी मेहनती और अनुशासनशील होते हैं। इनकी सोच काफी गहरी होती है। मकर राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर सप्तम भाव में होने वाला है। इस समय के दौरान मकर राशि वाले अधिक गुस्सा करने से बचें। इस गोचर काल में विनम्र रहने की कोशिश करें तथा धैर्य को अपने जीवन में बनाकर रखें। इस राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें इस गोचर काल में अपने कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अपने जूनियर्स के साथ आपका कार्यस्थल पर मतभेद होने की संभावना बन सकती है। मकर राशि के जो जातक बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको इस गोचर काल में अपने व्यापार को बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। परंतु जो लोग साझेदारी का व्यापार करते हैं उनका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद होने की संभावना है, इसलिए अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने की कोशिश करें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन इस समय के दौरान थोड़ा असमंजस भरा रह सकता है। परिवार के सदस्यों में आपस में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अपने परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयत्न जरूर करते रहें। धन संबंधी बात करें तो इस गोचर काल में मकर राशि वालों को धन संचित करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। धन खर्च अधिक करने से जरूर बचे, अन्यथा भविष्य में मुश्किल दौर से गुजरना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं मकर राशि वालों के लिए एक उपाय भी जरूर बताऊंगी जिसको इस गोचर काल में करने से मकर राशि वालों को अधिक परेशानी से गुजरना नहीं पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम और उपाय जानने से पहले जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे हिट करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे YouTube चैनल की नई वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। इस राशि के जो जातक विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस गोचर काल में सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी अधिक परिश्रम करने की जरूरत रहेगी, तभी इस गोचर काल में उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। मकर राशि वालों के प्रेम जीवन की बात करें तो इस राशि के जो जातक विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, एटीट्यूड को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। इस राशि के जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए ये गोचर काल शुभ साबित हो सकता है। प्रेम जीवन अनुकूल रह सकता है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इस गोचर काल में मकर राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस समय के दौरान पेट संबंधी या मूत्र संबंधी रोग और समस्याएं आपको हो सकती हैं। इन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपने खान पान का खास ख्याल रखें। उपाय जो मकर राशि के जातकों को इस गोचर काल में करना चाहिए ताकि ये गोचर काल बिना परेशानी के बीत सके वो ये है कि इस गोचर काल के दौरान मकर राशि के जातकों को हर शुक्रवार के दिन एक रोटी पर खीर लगाकर गौ माता को खिलानी चाहिए। धन्यवाद। हरि ही ओम।